देखिए, मन के जो विचार होते हैं वे अधिकांशतः नकारात्मक ही होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। और इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे पाई जाए? सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि नकारात्मक विचार आपके भीतर आते क्यों हैं। पूरे दिन में मस्तिष्क इतने सारे विचार करता है, दिमाग में इतने सारी कल्पनाएं भाव चलते रहते हैं। कुछ छोटी सी भी कार्य को, छोटी सी क्रिया को करने के लिए वे बहुत सारी विचार और कल्पनाएं पैदा कर लेता है। अब देखिए, अधिकांशतः जो मस्तिष्क में, जो दिमाग में विचार आते हैं वे नकारात्मक होते हैं। 70 से 80% विचार होते हैं जो कि नकारात्मक ही होते हैं, ये मान के चलिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। केवल 10 या 20% ही ऐसा हो पाता है कि पूरे दिन में आप एक अच्छी सोच और अच्छे विचार आपके भीतर प्रस्तुत कर सके। ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप मानव जीवन ऐसा कुछ बन चुका है कि ना तो उसको अधिकांश से वैसा वातावरण मिल पा रहा है, ना वैसे लोग मिल पा रहे हैं। और अब संस्कृति का धीरे धीरे पतन भी होता जा रहा है कहीं ना कहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। इस कारण से ये देखा जा सकता है कि नकारात्मक। अब हम ये देखते हैं कि नकारात्मक विचारों से, इन बुरे विचारों से, इन गंदे विचारों से मुक्ति कैसे पाई जाए आपके भीतर जो उत्पन्न होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको ये यानी एक निर्णय लेना होगा कि जो विचार आ रहा है आपके भीतर, क्या वे आगे चल के कुछ हकीकत में, असलियत में उसका कोई वजूद रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वे लाभदायक होगा या कोई काम आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या वे निर्णय में सहायक होगा या नहीं होगा। इस चीज पर थोड़ा निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, वरना आपके भीतर इतने सारे गंदे विचार उत्पन्न होते रहेंगे और वे आपको अंदर ही अंदर प्रफुल्लित करते रहेंगे, कभी 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 आपको दुखी करते रहेंगे, अधिकांशतः आपको दुखी करेंगे वे, क्योंकि वे अकारण आने वाले और ओवर थिंकिंग की वजह से वे विचार आते हैं। देखिए, कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो निर्णय लेने में बहुत सहायक हो जाते हैं, ठीक है। वे विवेक से सोचे हुए, विवेक से सोचे हुए तुलनात्मक विचार भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे साबित होते हैं। अब देखिए, प्रभु में मन लगाना, कुछ एकादी चीजें ऐसी करना जो आपकी दिनचर्या से बिल्कुल अलग हो, जैसे कि बतौर तौर पर आपको बताया जाए कि आप कुछ अच्छे कार्य कर लें, घर के, अगर घर में रहते हो तो किसी का सहयोग कर दे घर के कार्यों में, और बाहर रहते हैं तो कुछ ऐसा कार्य कर दे कि दूसरों की सेवा हो जाए, दूसरों की मदद हो जाए किसी भी प्रकार से। जरूरी नहीं आप उनको आगे होके बोले, या फिर आप जैसे कि ये मान के चले कि आपके भीतर कोई ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं, हाँ मुझको ये कार्य करना चाहिए, तो आप सोचे कि आपने यानी 5 रुपए का एक पैकेट लिया बिस्किट का और किसी जानवर को डाल दिया, तो आपके भीतर इतना अच्छा शुद्ध विचार आएगा कि मैंने आज मुझको आज बहुत सुकून मिल रहा है। ये आप महसूस करके देखना, कभी भी आप ऐसा करोगे, यानी आपने कभी बाहर गए और देखा कि आप बाहर चलते चलते पैदल कि आपके सामने कुत्ता आ गए, आपने बिस्किट का पैकेट लिया और उनको डाल दिया, तो उसी समय उसी क्षण क्या होगा कि आपके भीतर एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा कि हाँ मेरे हाथों कुछ ना कुछ पुण्य हुआ, यानी कहीं ना कहीं धर्म कटा है किसी का, मेरा ही धर्म कटा है। हाँ, तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी दिनचर्या, आपका जीवन किस प्रकार से चाहिए। इन बुरे विचारों से मुक्ति इसी प्रकार मिलेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो क्या होगा कि आपको, देखिए, सबसे ज्यादा बुरे विचार आपके मस्तिष्क में ही आते हैं, मस्तिष्क में ही आता है, जो आपके दिमाग को एक कचरे का डिब्बा बना देता है एक तरह से। आपको करना क्या है कि आपको ना तो बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, वो ना किसी को बुरी तरह से स्पर्श किसी तरीके से, आपको ऐसे विचार भी उत्पन्न नहीं करना, भाव विचार। तो ये आपको थोड़ा सहजता से अपने आप पर संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला है,
इस पर बेशक कोई ऐसे दो राय नहीं है कि इसमें नकारात्मक विचार ना आए, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है ये नकारात्मकता से भरा हुआ ही है अधिकांशतः। अब मगर ये संसार रूपी जाल है, आप चाहो तो यहाँ से हीरे मोती निकाल लो, आप चाहो तो भगवत मार्ग निकाल लो, आप चाहो कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, अध्यात्म जीवन जीना चाहो तो वो ले सकते हो, धन संपदा चाहो तो वो भी ले सकते हो, यहाँ सब कुछ मिलेगा इस संसार में। इसलिए वे आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। इसलिए आपको जो चाहिए उसी चीज़ का आप सेवन करें, उसी चीज़ को आप निरंतरता से अपने जीवन में डालिए, और धीरे धीरे एक ऐसा समय होगा कि आपके भीतर से सकारात्मक विचारों का उद्भव होने लगेगा और नकारात्मक विचार धीरे धीरे अपना आप ही खत्म होने लगेंगे। और जो आपके मस्तिष्क में इतनी विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको कहा जाता है, कि छोटी छोटी बात पर गहन विचार करना, बहुत लंबे समय तक विचार करना, ये बहुत बुरा होता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक विचार किया हुआ कोई भी कार्य का विचार तो क्या होता है कि एक नकारात्मकता लाता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सुख ढूंढने की कोशिश करता है, तो आपके शरीर को भी वह आघात पहुँचा सकता है और आपके लिए बहुत बुरा कार्य करवा सकता है, आपके द्वारा ही वह बुरा कार्य करवा सकता है। इसलिए किसी चीज़ पर जितना लंबा समय विचार ना करें। अब देखिए, विचारों से मुक्ति भी हो जाए, अब इसको क्या निरंतरता से आप ये मान के चलिए कि अब इसको स्टेबिलिटी कैसे लाए कि मैं इसी प्रकार का जीवन चाहता हूँ कि हाँ, मैंने ये 2-3 दिन करके देखा और ये मुझको बहुत अच्छा लगा, ना तो मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई ऐसा बुरा विचार आया और बहुत ही सरल जीवन लगा मुझको, जितना ऐसा ही मैं जीवन चाहता हूँ। इसको इसको अभ्यास में कैसे लाया जाए, इसको निरंतरता से कैसे चलाया जाए ताकि ये बराबर मात्रा में मेरे जीवन में बना रहे बस हमेशा के लिए। तो इसके लिए क्या, सर्वप्रथम देखिए, अभ्यास ही एक चीज़ ऐसी है जो आपको मजबूत बना सकती भीतर से और बाहर से भी, ये मान के चलिए। इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने स्वयं अपने आप का आकलन करे कि आपने कभी भी हित कार्य में किसी का सहयोग नहीं किया, कभी आपने छोटा सा भी कार्य किसी के हित के लिए नहीं किया है, ये मान के चलिए आपकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो चुकी है। आपने कभी किसी का बुरा अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, अधिकांश किसी के साथ बारे में बुरा ही सोचता है, ये मस्तिष्क इस प्रकार की प्रवृत्ति है। कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके मन में तुरंत विचार आ जाता है कि नहीं, इस जगह अच्छा हो रहा तो क्या पता अगर गलत हो जाता तो क्या होता, ये बुरा विचार मस्तिष्क की ऐसी भाव विचार हो गया है कि वे तुरंत बुरा सोच लेता है। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा इस शैली में, और निरंतरता से सद विचारों पर कुछ साधु संतों की संग रखे। अगर मोबाइल भी देखते हैं तो मोबाइल में ऐसा दृश्य न दिखे तो आपके मन में विकार उत्पन्न करते और आपसे गलत कार्य करा बैठे, तो आप मोबाइल भी कुछ देखें, अच्छे संतों के बारे में कुछ सुने, उस बारे में कुछ ऐसे उपदेश सुने जो आपके जीवन में बदलाव ला सके, ऐसी चीज़ें देखें। और इसी प्रकार कुछ एकाध मित्र भी ऐसे रखें जो आपको प्रेरित करते रहें बारंबार इस मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग में, जो आप वैसे ही मित्र भी वैसे ही बनाए जो हाँ जो आपको इस मार्ग पे चलते हुए जो इस मार्ग पे चलते हैं उस ऐसे ही मित्र बनाए, तो वो आपको धीरे धीरे बारंबार प्रेरित करेंगे। मित्र का मतलब ये नहीं कोई बाहर का मित्र, आपका पुत्र भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। उम्र का यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि उम्र में वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी से भी सद्विचार आप किसी से भी ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। सद्विचार से आपके जीवन में बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा कि वे सद्विचार आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलता ही जाएगा। तो इस चीज़ को आप निरंतरता से करें। अभ्यास ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके बुरे विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। और अत्यधिक सोचना बंद करें, क्योंकि अत्यधिक सोचने से आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक विचारों का उद्भव होता है और
इस प्रकार आप इन चीज़ों पर ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल करें, कुछ योग मार्ग करें, योग करें, कुछ प्रभु का कीर्तन करें, सुमरण करें, भजनों में ध्यान दें, तो आपका जीवन सरल होने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।